सर बच्चों के कॉल्स आ रहे हैं, बच्चों को बच्चे बहुत प्रेशराइज हो चुके हैं, लड़कियां जो अपनी फीमेल सुपरवाइजर काफी पढ़ ली है, सब कुछ हो गया, अभी के टाइम पे सर वो लगा रही है मॉक टेस्ट। ठीक है, यूट्यूब पे ये जो अपने मॉक टेस्ट चल रहे हैं ना, ये लगा रही हूँ और प्रेशराइज हो रही है कि सर लास्ट मौके पे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें मॉक टेस्ट देख के लग रहा है कि हमने पढ़ी नहीं है, तो क्या करना चाहिए बताएं जरा। देखो क्या करना चाहिए यार, तुम लोग ना बेवकूफ बन जाते हो, तुम्हें बना भी देते हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हम हैं तुम्हारे भाई तुम्हें अच्छी गाइडेंस देने के लिए। मेरी बात समझ, किस टाइम पे तुम इस जगह पे हो ना कि तुम हाईली प्रेशराइज हो, इतना ज्यादा डर तुम्हारे दिमाग में है, अफकोर्स होगा भाई क्योंकि तुम्हारा पेपर है, तुमने मेहनत की है, अभी तुमने पेपर देना है तो है। ये सिर्फ ये नहीं कि नौकरी का एग्जाम है, एक छोटा सा एग्जाम यूनिवर्सिटी एग्जाम होता है, कॉलेज का एग्जाम होता है, उसमें भी सेम डर होता है। बच्चे सुबह सुबह हम भी जब पढ़ते सर है ना, सुबह सुबह रट रहे हैं, बोल रहे हैं, बोल रहे बोल रहे, एग्जामिनेशन हॉल में जाते ही भूल गए। ये प्रेशर ही इतना, दिमाग का भी अपना मैकेनिज्म है ना, दिमाग को सोचने के लिए टाइम चाहिए सर। आप क्या बोलते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में, कंप्यूटर होता है जब हम बोलते हैं ना कि बहुत गर्म हो गया, गर्म बोलते हैं यार, बड़ा गर्म हो गया, इसको बंद कर दे, तुम्हारा दिमाग गर्म हो चुका है। अब मेरी बात सुनो, देखो मैं बात करूंगा, थोड़ा सा मेरे को गुस्सा आएगा, यूट्यूब के ऊपर भी आएगा। वो बंदे आपको अभी भी वीडियोज ला के दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज अभी भी आप दे रहे हो, भाई आप स्टडी नॉम के टेस्ट सीरीज लगा रहे हो, आपको कुछ सवाल नहीं आए। यस, कुछ सवाल आए, आपने किसी और चैनल की टेस्ट सीरीज लगाई इस वक्त पे, उसने किया होगा कट कॉपी पेस्ट, सेंटर का उसने कोई एग्जाम ले लिया होगा, नेट का एग्जाम ले लिया होगा, वो बहुत ज्यादा टफेस्ट लेवल होगा क्योंकि वो स्पेशलाइज होगा एकदम, जिन्होंने पढ़ाना है उनके लिए, नेट के लिए प्रोफेसर के लिए वो डाला। अब आप क्या हो गए उधर कंफ्यूज, आपने ये नहीं देखा कि आपने पूरा सिलेबस पढ़ लिया, आप उसे सारे हो गए, स्टडी नाम सुन लिया, आपने 100% नंबर ले लिए, आपने ये देखा यार मुझे ये सवाल नहीं आया, मुझे वो सवाल नहीं, आपको पता ही नहीं है कि उसने क्या डाला हुआ, तो आप क्या हो रहे होगा डीमोटिवेट हो गए। आपको ये नहीं करना, आपने सिलेबस पढ़ लिया सर पढ़ लिया, प्रैक्टिस कर ली सर बिल्कुल कर ली, अगर आपने सिलेबस पढ़ लिया प्रैक्टिस कर ली मॉक टेस्ट लगा लिए किसी एक आध चैनल के और उसको एनालाइज कर लिया, नाउ स्टॉप, रुक जाओ, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। मैं बोलूंगा अपना पेन किताब एक तरफ कर दो, साइड में चिल मारो दो तीन दिन कल का दिन, कल का दिन आज डिनर करो मस्त बढ़िया से, खाओ पियो आनंद लो, कल का दिन उठो 10 बजे 11 बजे उठो, नहाओ खाओ पियो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अपने सेंटर पे जाओ, फॉर एग्जाम्पल अभी तुम्हारा सेंटर बनेगा बाहर 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर, रामबन बनिहाल काजीकुंड अनंतनाग इनका श्रीनगर में बनेगा, इस तरीके से आप उधर जाएं, डल लेक में घूमें फिरे, मछलियां देखें, उधर खाएं मटन बिरयानी सब कुछ बढ़िया से, चिल मारना है चिल, और आपको दिमाग जितना इस वक्त हो सके ठंडा करना है दिमाग। प्रेशर में एग्जाम थोड़ी होता है, एग्जाम तब होता है जब बंदा अपने सेंसेस में होता है, ताकि मैंने जितना पढ़ा है प्रेशराइज, पता क्या बोलेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, उसने फॉल्स सवाल पूछा था, तुम लगाओगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज, जब यार तुम्हारे दिमाग में प्रेशर हो जाएगा, पूरी क्लास में यही मैं बताते आ रहा हूं तुम्हें, हर बार यही गलत करके आते हो, ये मत करना, दिमाग को शांत करो, टेस्ट बंद करो, वीडियोस देखना बंद करो। अभी हम क्यों नहीं वीडियोस लेके आ रहे आपके लिए सर बताओ, क्यों नहीं लेके आ रहे भाई, अगर हम लेके आएंगे ना कुछ नई चीज तो लाएंगे, तुम देखोगे तुम्हें तुम्हारे दिमाग में एक चीज लगेगी यार ये तो मेरा रह गया, अब मैं एक काम करता हूँ, मैं फिर से पढ़ता हूँ इसको, फिर से पढ़ोगे और टाइम वेस्ट करोगे, अभी के टाइम वेस्ट नहीं करना है। यार मैं तुम्हें एक और बात बता देता हूँ, देखो कि जो यूट्यूब है ना, यूट्यूब देखो, यूट्यूब ने तो बंदे ने चलाना ही होता, भाई हम भी चलाते हैं यूट्यूब, इसमें कोई वो नहीं है, यूट्यूब तो हम भी चला रहे हैं, बंदे ने तो यूट्यूब चलाना ही चलाना है, तो वो आपको देता जाएगा वीडियो, ऊपर से डर का माहौल बना हुआ है, तो डरे हुए बंदों को चीज देनी और आसान है, ला भाई को मर जाएगा लिखा खाएगा बंदा, ये तो ये काम हो रहा, अभी कुछ मत करो अभी रहने दो अपना, अगर आपने अभी तो वैसे तुम्हारे पास रिवाइज करने का भी टाइम नहीं है, वो रिवाइज मत करो, क्यों करना होगा सर, आप क्या बोलो, एक दिन में रिवाइज होगा, मेरे एक दिन में रिवीजन नहीं, ठीक है नहीं, पूरे जो हफ्ता था उसमें शॉर्ट टाइम रिवीजन का टाइम था, अभी के टाइम पे कल बच्चे कुछ ट्रैवल करेंगे, अपना ट्रैवल करो और आप जाओ, दिमाग को एक चीज याद रखना, बहुत ज्यादा पढ़ के सिर्फ पढ़ के सिलेक्शन नहीं हो, आपका एग्जाम हॉल में बैठी हो आप, वो है ना अपना धोनी साहब, क्यों बोला गया, आपको भी कैप्टन कूल की तरह रहना उस टाइम, क्योंकि अपना दिमाग ठंडा रखना है। अब देखो जरूरी नहीं है कि चार ऑप्शन का सब कुछ पढ़ा होगा, इतना दिमाग ठंडा होना चाहिए कि इलिमिनेट कर पाओ,
इतना दिमाग ठंडा होना चाहिए कि एक ऑप्शन थोड़ा सा अजीब लग रहा है तो एग्जामिनर ने क्यों डाला, ये चीजें एग्जामिनर की तरह सोचना अगर तुमने शुरू किया तब सिलेक्शन होगी। और ये चीज तुम्हें करनी पड़ेगी, कब करोगे, जब तुम्हारा दिमाग ठंडा होगा, एग्जाम देखा नहीं, पसीना आया नहीं, एंग्जाइटी अटैक आ गया, उस टाइम क्या करोगे? और एंग्जाइटी तुम्हें होगी, जो तुम्हारी पॉसिबिलिटी होगी भी मार्क्स लाने की वो भी खत्म होगी, फेंट हो गई उधर, पूछा कुछ था, लगा कुछ है, सवाल ही इंटरप्रेट नहीं कर पाए, क्या करोगे? और एक चीज लड़की, एक चीज याद रखना, जो बच्चे पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, जो पोएमरशिप पे पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, मैं उनको एक चीज बता दूंगा, बच्चों डायरेक्ट ब्लू पेन से गोले मत लगा के रहना, पहले पेंसिल से कर लेना गोले, और ठीक है टाइम पूछते रहना, जब टाइम एंड में रहेगा तब ही गोले लगाना। स्टार्टिंग में जब बच्चा नया होता है उसके एक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, एक ऑप्शन के, एक क्वेश्चन के दो गोले टिक करके आ जाता है, वो नहीं करना आपने, ठीक है? इसलिए पहले पेंसिल से कर लेना, जब 15 मिनट रह जाएंगे, कोई ज्यादा बड़ा पेपर नहीं, 5 नंबर का मैथ्स है यार, कुछ सॉल्व करने वाला तो है ही नहीं कुछ इनके पास, 120 मिनट है, बहुत इनफ टाइम है, बहुत टाइम तुम्हारा तो तुम तभी यूटिलाइज करोगे, दिमाग शांत होगा, और तुम्हारा दिमाग शांत नहीं है, मैं बता रहा हूँ, उसमें तुम्हारी अकेले की गलती नहीं है, हमारी भी गलती है, हमारी इन द सेंस ये जो तुम्हारे टीचर्स हैं जिन तुम्हें सही गाइड नहीं कर रहे हैं। अभी कुछ मत करना, कोई वीडियो नहीं देखनी, कुछ नहीं छूटा तुम्हारा कुछ नहीं छूटा हुआ, जो लगे हुए ना 3-4 महीने से उनने सब पढ़ लिया हुआ है, ओके डन। अभी स्टडी नॉर्म्स की वीडियो भी मत देखो संडे तक, ठीक है ना? कोई नहीं, हम डालेंगे, पुरानी भी मत देखना, पुरानी भी मत देखना कि सर रिवीजन कर रहे हैं 2x की स्पीड पे, मत करना भी प्लीज, याद रख, ब्लड प्रेशर करा लो, क्या फायदा यार, बेहोश हो जाओगे, वो नहीं करना काम, ठीक है भाई। है कमेंट्स में अपने ना विचार इस पे जरूर बताना कि हमारी बात एक्चुअल तुम्हें ठीक लग रही है, पॉइंट है, रेलिवेंट पॉइंट नहीं है, या हम भी बस खाम खाई मस्ती मार रहे हैं, तुम्हारे साथ जरूर बता देना कमेंट्स में, ठीक है? चलो भाई, धन्यवाद।